किस नाम से शॉप है? ये अपनी रियांसी इंटरप्राइजेस के नाम से शॉप है दीनदयाल नगर गेट पे। और अभी जस्ट 10 मिनट पहले की बात है कि हमारे स्टोर में 4 लड़कियां एक साथ आईं और उसमें से एक लड़की हमारे इस वाले फ्रिज के पास आके खड़ी हो गई और 3 लड़कियां हम लोगों को देखती रहीं कि हम लोग काम में बिजी हैं कि फ्री हैं। जब हम लोग काम में बिजी हो गए तो उनने इशारा किया तो एक लड़की ने इसमें से 4 चॉकलेटें हमारे स्टोर से निकाली। उसकी रिकॉर्डिंग हमने इन्हें दी हुई है जिसमें आपको दिखेगा कि वो 4 चॉकलेटें निकालते हुए अपने जेब में रख रही हैं और जिसकी कीमत लगभग 300 से 400 रुपये के आसपास होगी। और कंटिन्यू 2-3-4 बार इस तरीके से निकालती गई हैं वो, और इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं। इसके लिए मैं अवेयर करना चाहूँगा वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर को और वहाँ के शॉपकीपरों को कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। और कब पता चला? एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो इतनी बार बार इस साइड फ्रिज की साइड आ रही थी और बार बार जा रही थी तो हमने उनसे पूछा कुछ और ख़रीदा है क्या, तो उनने मना किया। तो हमें कुछ शक हुआ, इनने कुछ रखा हुआ है अपनी जेब में। तो फिर हमने अपनी रिकॉर्डिंग को चेक किया कैमरे की तो हमें प्रूफ हुआ कि उनने 4 चॉकलेटें निकाली हुई हैं। लग तो अच्छे घर से रही थी, अच्छी फैमिली से लग रही थी और कहीं से ही नहीं लग सकता था कि ये लोग ऐसा चोरी कर सकती हैं। बट मे बी आजकल किसी पे कोई भरोसा नहीं किया जाता कि कोई कब क्या कहाँ से चोरी कर ले। हाँ, मोस्टली रहे हैं दीनदयाल नगर एरिया की। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। पुलिस में एक आवेदन देंगे रिकॉर्डिंग के साथ कि जिससे पुलिस भी अवेयर रहे कि इस टाइप की हरकतें शहर के अंदर हो रही हैं और उन्हें एक डाटा प्रूफ भी मिलेगा कि इस टाइप से लोग ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा पुलिस को भी हेल्प होगी आगे किसी चीज़ के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।